हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को की स्टैंड बनाना बताऊंगी। ये मेरे पास ये दो कलर का मैक्रम है, आप चाहें तो एक कलर का मैक्रम भी यूज़ कर सकती हैं। और ये मैंने 5 इंचेस की रिंग ली हुई है, आप 4 से लेके 6 इंचेस तक की कोई भी रिंग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। हमने ये 7-7 मीटर के 10 धागे काटे हुए हैं। 4 धागे ये वाइट कलर के और ये 6 धागे ये। मैं बताती हूँ कि ये इसको कैसे फंसाते हैं, रिंग में कैसे फंसाना है धागे को। सबसे पहले हम 7 मीटर का जो धागे हमने काटे हुए हैं उसको डबल कर लेंगे। और डबल करके ये जो हमारा कोना आ रहा है इसको इस तरह से ऊपर रख के और इसको इसमें से इस तरह से निकाल देना है और ये हमारे धागे फंस जाएंगे। मैंने सारे धागे इसी तरह से फंसा लिए हैं। अब मैं इन धागों को मुझे साइड साइड में लाने हैं, इस तरह से कर लूँगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये 4-4 धागों की एक एक गांठ लगा लेंगे। इस तरह से हम सभी को पहले इस तरह से एक एक गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने ये गांठें लगा ली हैं। अब मैं इनमें साइड से दो दो धागे इधर से छोड़ दूंगी इस तरह से, और ये इन धागों की गांठ लगा लूंगी इन सब की। ये देखिए इस तरह से। ये इस तरह से इस साइड में ये दो धागे जो हैं ये छूट जाएंगे। और इसी तरह से हम ये सारी गांठें लगा लेंगे। फिर हर लाइन में हम ये साइड के दो दो धागे छोड़ते चले जाएंगे जब तक कि हमारे 4 धागे ना बच जाएं। तो मैं अब ये पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, हमारे यहाँ पे एक गांठ बच गई है, एक गांठ आ गई है। और अब हम ये जो हमारा साइड वाला धागा है, किनारे वाला, इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इनमें सिंपल वाली गांठें लगा लेंगे। इस तरह से, इसी तरह से हम दोनों साइड से गांठें लगा लेंगे। मैं यहाँ तक ये गांठे कंप्लीट कर लूँगी। ये वाला धागे से मैं ये इधर तक, यहाँ तक गांठे लगाऊँगी और इस वाले धागे से इधर तक, यहाँ इस वाले धागे में गांठ लगाऊँगी। ये देखिए, मैंने एक एक बार इधर से ये गांठे लगा ली हैं। अब मैं इसको डबल लाइन कर लूँगी। ये जो साइड वाला धागा है इससे मैं एक एक बार और इसमें गांठे लगा लूँगी इसी तरह से। ये देखिए, इस साइड से इधर से लगाऊंगी मैं। इस तरह से मैं ये दोनों लाइनों को फिर से कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए, मैंने ये यहाँ तक पूरा कर लिया है। अब मैं ये बीच वाले दो धागों में ये एक मोती डाल दूंगी और इसमें इस तरह से वही एक गांठ लगा लूंगी। ये देखिए,
अब मैं इन दो धागों को इस तरह से दो हिस्सों में बांट लूंगी, चारों धागों को दो दो करके। अब मैं पहले इस वाले धागे में इस तरह की शेप करके ऐसे ये गांठे लगा लूंगी। जैसे मैंने ये इस तरह की गांठे लगाई हुई है इस तरह की, अब मैं इनको इस तरह से लगा लूंगी। अब इस धागे को थोड़ा सा बड़ा करके, ये टेढ़ा करके हल्का सा सारे धागों की मैं इसी तरह से गांठ लगा लूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से गांठ लगा ली है, और अब मैं इस तरह से इधर भी ऐसी गांठ लगा लूंगी सेम। और ये हमारे जो दो धागे हैं ये मैंने एक बार लगाया है, जैसे मैंने यहाँ डबल डबल किया है ऐसे ही एक और बार में इसी तरह फिर से गांठ लगा लूंगी। अब मैं दोनों गांठें कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले ये देखिए हमारे दोनों तरफ से गांठें लग चुकी हैं। अब हमारे बीच वाले धागे हैं, ये चार धागों को हम बीच में रखेंगे देखिए, और ये जो साइड के एक एक धागे हैं इसके हम चार धागों को बीच में करके एक गांठ लगा लेंगे। एक गांठ लग चुकी है। अब हमारे जो ये एक धागा है साइड का, अब हम इसको इस तरह से करके यही वाली गांठें लगा लेंगे। ये देखिए एक धागे को इस तरह से गांठें लगा लेंगे। ये देखिए हमने तीन धागों की इधर से गांठ लगा ली है। ये अब एक धागा इधर से लेके फिर ये जो तीन धागे बचे हैं इसके इधर से भी ऐसे ही गांठ लगा लूंगी। ये देखिए दोनों साइड से डिजाइन बन चुका है, ये गांठें आ गई हैं। अब इसके पास का एक एक धागा लेके ये डबल डबल लगा लूंगी, जैसे कि यहाँ ऊपर ये नीचे लगाया हुआ है इसी तरह से लगा लूंगी दोनों साइड से। ये देखिए दोनों साइड से गांठें लग चुकी हैं, डिजाइन आ रहा है। अब ये जो बीच वाले दो धागे हैं ये इनमें मैं फिर से एक मोती डालूंगी, जैसे कि यहाँ डाला हुआ है, और इसी तरह की एक गांठ लगा लूंगी। ये देखिए मैंने एक मोती डाल लिया है यहाँ पे। अब जो ये हमारे यहाँ देखिए ये छह धागे हो चुके हैं, ये तीन इधर और ये तीन इधर। तो हम फिर से वही गांठ लगा लेंगे, एक ये इन चार धागों को बीच में रखेंगे और ये इन दोनों से हम एक गांठ लगा लेंगे। ये देखिए और सेम यही हम इधर भी लगा लेंगे, चार धागों को बीच में रखेंगे
और साइड वाले एक धागे से। इन धागों को अलग ही रहने देना है। एक गांठ लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइड लग चुका है। अब हम यही वाला डिज़ाइन फिर से बना लेंगे। ये जो हमारे ये दो धागे आ रहे हैं, यहाँ हम इनमें एक मोती डाल लेंगे। ये देखिए मैंने इधर दोनों साइड में ये मोती डाल लिए हैं। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो फिर इसका हम एक धागा लेंगे इस साइड से, और इधर ये जो तीन धागे हैं इधर, ये देखिए ये तीन धागों की एक एक वही गांठ लगा लेंगे। इसमें सिर्फ दो ही तरह की गांठें हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरह से ये वाला धागे को इस तरह से टेढ़ा रखना है। ये देखिए हमारे तीन धागों की गांठें लग चुकी हैं इधर। अब हम इस वाले धागे में भी इन धागों से वही गांठ लगा लेंगे डबल डबल। ये हमने देखिए दोनों डबल गांठें लगा ली हैं। अब ये जो हमारे बीच वाले गांठ के चार धागे हैं, अब इनको भी हम इसी तरह से ये गांठें लगा लेंगे। ये देखिए इसमें तीन धागे बचे हैं, ये देखिए। और इसके हम इधर इस धागे को इधर मोड़ के ऐसे गांठ लगा लेंगे। ये देखिए ये गांठ लग गई है। अब हम इधर भी ऐसे ही लगा लेंगे गांठ को, जैसे कि हमने इधर लगाई है तीन तीन धागों को इस तरह से। ये देखिए हमने इधर से भी ये लगा लिया है। अब ये हमारे जो बीच में ये दो धागे बचे हुए हैं, ये देखिए, अब इनको भी हम इसी तरह से डबल शेड में इन गांठ लगा लेंगे। इसी तरह से इन धागों की, तीन तीन धागों की। ये देखिए हमारी ये गांठें भी लग चुकी हैं। अब जो ये हमारे बीच के छह धागे बचे हैं, ये देखिए इनको भी अलग रहने दीजिए, और इधर साइड से भी इन दोनों को अलग ही रहने दीजिए। और ये जो बीच के छह धागे आ गए हैं हमारे, इनके भी इसी तरह से एक गांठ लगा लेंगे। ये देखिए चार धागों को बीच में करके साइड साइड से। ये देखिए ये डिजाइन बन चुका है बीच में। अब जो हमारे ये दो धागे चलते आ रहे हैं इधर से, अब हम ऐसे ही अलग अलग करके ये जो हमारे ये लाइन है, इसको भी हम इसी में ज्वाइंट कर लेंगे।
ऐसे इस तरह से, और यहाँ तक ये गांठ लगा लेंगे इनको बराबर हिस्सों में बांट के। ये देखिए इन धागों की भी इधर से यहाँ तक गांठ लगा लेंगे और इन धागों की भी इधर से लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है, बहुत सुंदर डिजाइन लग रहा है ये। अब मैं फिर से यहाँ बीच में मोती डाल के, जो मैंने ये ऊपर से डिजाइन बनाया था, मुझे जितना बड़ा की स्टैंड बनाना है मैं उतना ही बड़ा इसको की स्टैंड बना लूँगी। और इस तरह से ये की होल्डर थोड़ा सा ऐसे खोल के इसमें इस तरह से लगा दूँगी। और इसको पीछे से ऐसे टाइट कर दूँगी। ये देखिए ये की स्टैंड बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, मुझे जितना बड़ा की स्टैंड बनाना है मैं उतना बड़ा की स्टैंड बना लेती हूँ पहले। ये देखिए मैंने ये अपने पूरा की स्टैंड कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसमें 5 पार्ट बना लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपको और भी बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है तो आप बना सकते हैं। अब मैं यहाँ इसको कट कर दूँगी, ये इसको कट कर लूँगी मैं यहाँ से नीचे से, और इनको इस तरह से तिरछा करके और ऐसे ही इस साइड से भी कट कर लूँगी। और अब मैं इसमें ये लटकन लगा दूँगी इस तरह से, जैसे ये एक धागा है कॉर्नर वाला, एक लटकन इसमें डालिए और यहाँ पे हल्का सा मोमबत्ती से टच करके इसको चिपका देना है। ये देखिए इस तरह से मोमबत्ती से लगा के हल्का सा इस तरह से चिपका देना है, तो ये इस तरह से चिपक जाएगा। अब मैं बाकी के सभी धागों पे इसी तरह से लटकन लगा लूँगी। ये देखिए ये मोतियाँ मैंने लगा लिए हैं, क्रिस्टल वाले हैं ये। आप कोई भी लटकन लगा सकते हैं जैसे आपके पास मिलते हैं। तो ये देखिए मेरा की स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। और अब मैं ये इस पे रिंग पे ये धागा लपेट लूँगी। ये धागा इस तरह से लपेटेंगे, पहले इसको किनारे से जला के पीछे यहाँ चिपका लेंगे, फिर इसको ये ऊपर से लेके इस तरह से निकाल देंगे। इसी तरह से हम पूरे रिंग पे धागा लपेट लेंगे। इस तरह से मैं पूरी रिंग पे धागा लपेट लूँगी। ये मैं इसको इस तरह से लपेट के फिर इसी तरह से पीछे चिपका दूँगी। अब ये मेरा की स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।